दोस्तों, क्या आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है कि आपको यह पता हो कि इस पर पूरा खर्चा कितना आने वाला है। अगर आपको आपके यूनिवर्सिटी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर कितना प्रतिवर्ष खर्च आने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, अगर यह पता है तो आप इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे कि आपको बैंक लोन लेना है या आपके सेविंग्स है या आपको कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या आपको ये आइडिया लगाना है कि आप कैजुअल जॉब कर कितने एक्सपेंसेस को वापस रीपे कर सकते हैं, तो दोस्तों इन सब के बारे में एक प्री प्लानिंग करने के लिए आपको यह पता होना ज़रूरी है कि इस पर पूरा खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इन्हीं खर्चों के बारे में बात करेंगे कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अगर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो इस पर पूरा खर्चा कितना होने वाला है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया में तीन सबसे बड़े खर्चे हैं, यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी, अकोमोडेशन एंड अदर लिविंग एक्सपेंसेस लाइक फूड, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी बिल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें यूनिवर्सिटी फीस की, तो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर यूनिवर्सिटी स्टडी, लेकिन यह भी यूएसए एंड यूके की तरह बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपकी ट्यूशन फी हो सकती है 16 लाख से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच, लगभग 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक। तो दोस्तों, यह एग्जैक्ट नंबर डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और किस कोर्स का स्टडी कर रहे हैं, उस पर यह डिपेंड करेगा, लेकिन आप मानकर चलिए 15 लाख से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच में श्योरली यू वुड पे फॉर यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस अगर आप अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लिए आए। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है दोस्तों अकोमोडेशन का। यह डिपेंड करेगा कि आप यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस रेजिडेंशियल कॉलेजेज में रह रहे हैं या ऑफ कैंपस किसी शेयर हाउस में रह रहे हैं। अगर आप ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहते हैं तो लगभग आपको 20,000 से 25,000 रुपये प्रति वीक पे करना होगा, जिसमें आपकी मील्स भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस रहते हैं, जो कि सबसे सस्ता एंड पॉपुलर मेथड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर आप 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स प्रति वीक किराया पे करेंगे, जो कि 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रति वीक होगा। तीसरा सबसे बड़ा खर्चा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है अदर लिविंग एक्सपेंसेस सच एज फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटी बिल्स लाइक गैस बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। दोस्तों, इस पर आप $100 प्रति वीक से लेकर $300 प्रति वीक के बीच खर्च करेंगे। अगेन, डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, आप कितना ही ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, बट आप बेयर मिनिमम $100 प्रति वीक पे सर्वाइव कर सकते हैं, इजीली यू कैन लिव, एंड $100 मीन्स 5,000 रुपये। तो दोस्तों, अगर अपन टोटल देखें तो यह खर्चा हो जाता है $40,000 प्रति वर्ष अगर अपन माने यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फी के लिए, देन 52 वीक्स के लिए अगर आप मान के चलो 10,000 रुपये प्रति वीक आपका अकोमोडेशन का खर्चा, एंड देन 5,000 रुपये प्रति वीक आपका 52 वीक्स के लिए जो खर्च। दोस्तों, अगर इन तीनों बड़े खर्चों को मिलाकर देखें तो आपको लगभग 30 लाख रुपये प्रति वर्ष ऑस्ट्रेलिया में एक अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की स्टडी के लिए पढ़ेंगे। हो सकता है आपके पास सेविंग हो इस 30 लाख रुपए प्रति वर्ष को पे करने के लिए, या आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप यह जानना चाहते हैं कि एक पार्ट टाइम जॉब कर ऑस्ट्रेलिया में आप इसका कितना हिस्सा पे कर सकते हैं एज यू गो ऑन। दोस्तों, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए आपके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। दूसरी बात, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है जिनकी, एंड उनसे कितना पैसा कमाया जा सकता है इस यूनिवर्सिटी फी को पे करने के लिए या आपके जो लिविंग एक्सपेंसेज हैं उनको मीट करने के लिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।